आ इंडिया पर यूपी के लखीमपुर खीरी विधायक थप्पड़ कांड से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने बार अध्यक्ष अवधेश सिंह व उनकी पत्नी पुष्पा सिंह को बड़ी राहत दी है। क्या राहत दी है कोर्ट ने, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आ इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, जो ये विधायक थप्पड़ कांड का मामला है ये पूरे देश में चर्चित हुआ था। अब इसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ था अवधेश सिंह और पुष्पा सिंह सहित अन्य कई लोगों पर, उसमें कोर्ट ने क्या कुछ राहत दी है अवधेश सिंह और पुष्पा सिंह को? देखिए प्रियांशु जी, बहुत बड़ा मामला था थप्पड़ कांड जो लखीमपुर का हुआ था विधायक से, और ये पूरी चर्चा हुई। और जैसे की जिम्मेदारी है आई इंडिया की और प्रियांशु जी आपकी जिम्मेदारी है कि हर खबर को त्वरित और सत्तापूर्ण तरीके से जल्द अपने दर्शकों में पहुंचाना। इस थप्पड़ कांड की आज की जो सबसे बड़ी खबर है लखीमपुर खीरी से वो ये है कि जो 15 तारीख की देर रात को, 15 अक्टूबर की देर रात को, कई दिनों के बाद जो विधायक योगेश वर्मा की तरफ से FIR दर्ज हुई थी जिसमें पुष्पा सिंह का नाम सबसे ऊपर था, उसके बाद अवधेश सिंह थे, उसके बाद सूरज और नीरज, चार लोगों का नाम उसमें जो दर्ज किया गया था विभिन्न विभिन्न धाराओं में, उनमें FIR दर्ज होने के बाद आज अगर बात की जाए तो आज जो 23 तारीख हो रही है, लगभग एक हफ्ते के बाद समझिए कि कोर्ट ने इन दोनों को आज जमानत दे दी है। बाहर बाहर बिना जेल जाए बाहर बाहर जमानत दी गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानत हो गई है। और जैसा पता लगा है सिर्फ दो लोगों की जमानत हुई है, जैसा पुष्पा सिंह और अवधेश सिंह है, इनकी जमानत हुई है। इससे पता लगता है कि केस में कोई कैसे केस में दम दिखाई गई है, केस कोई नहीं लग रहा कि बहुत स्टार केस नहीं लग रहा है। और कहीं ना कहीं जो कोर्ट है उसने माना है कि ये किसी कारण से जो घटना हुई है, इन चीजों में कई वीडियो का संज्ञान लिया कोर्ट ने और उस संज्ञान के बाद उसने फैसला दिया है। और ये बहुत बड़ी खबर है जो चर्चा का विषय आज बनी हुई है। और जो सूत्र हैं आई इंडिया के, उन्होंने बताया है कि जमानत की पुष्टि कर दी है अभी। और जैसा कि वार्तालाप हुई है अवधेश सिंह से भी बात हुई आई इंडिया की, उन्होंने भी कहा था हाँ दोनों की जमानत इसमें हुई, पुष्पा सिंह अवधेश सिंह की। और इससे लग रहा है प्रियांशु जी की आगे जो इसमें और मुजरिम जो बने हैं, नामजद लोग हैं, शायद उनकी भी बहुत जल्द अब इसी आधार पर जमानत हो जानी चाहिए। जी प्रियांशु जी, सर एक जानकारी चाहेंगे, कुछ थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं, कब ये घटनाक्रम हुआ था, क्या ये पूरा मामला था, वो भी दर्शकों तक पहुंचाएं सर। देखिए प्रियांशु जी, बहुत बड़ी ये घटना थी जिसने पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा मामला खड़ा कर दिया था। घटनाक्रम 9 तारीख का था और अगर बात की जाए तो घटनाक्रम की शुरुआत 8 तारीख से हो गई थी। और ये घटना जो पूरी थी ये थी अर्बन प्रॉपर्टी बैंक, जो यहाँ का एक प्रदेश का बहुत ही अग्रणी बैंक लखीमपुर खीरी का माना जाता है, इसके चुनाव को लेकर मामला चल रहा था अर्बन प्रॉपर्टी बैंक के चेयरमैन का। पुष्पा सिंह इसमें पहले चेयरमैन रह चुकी हैं, जो पूर्व चेयरमैन है। यहाँ पर अवधेश सिंह जो एक बहुत बड़ा नाम है लखीमपुर खीरी में, क्योंकि ये जिला बार एसोसिएशन जो बहुत बड़ी बार एसोसिएशन प्रदेश की मानी जाती है, उसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में, ये यहाँ पे थे। और इनकी धर्मपत्नी जो पुष्पा सिंह पूर्व अध्यक्ष है, ये चुनाव प्रत्याशी आगे होने वाली थी जैसा कि लग रहा था संभवत, इसको लेकर 8 तारीख को शुरू हुआ कि यहाँ पे जो इसकी नामांकन और सब प्रक्रिया के बारे में एक सूचना जारी की गई थी कि विभिन्न विभिन्न तारीख से 9 तारीख से लगभग यहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुआ थी। इसको लेके विवाद चल रहा था जिसमें विधायक सदर योगेश वर्मा थे। योगेश वर्मा के साथ साथ लग रहा था कि दो गुट हो रहे हैं, जिसमें एक गुट अवधेश सिंह का था, एक अवधेश सिंह के सामने योगेश वर्मा के जो कैंडिडेट थे वो बताया जा रहा है शायद राजू अग्रवाल थे, जो एक प्रमुख व्यवसायी हैं लखीमपुर खीरी के, इनकी नाम की चर्चा हो रही थी। लेकिन उसी दिन से 8 तारीख से विवाद शुरू हो गया और ADM लखीमपुर संजय सिंह के पास एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा जिसमें विधायक काफी संख्या में विधायक थे, जिला अध्यक्ष सुनील सिंह थे, योगेश वर्मा विधायक थे, सब लोग एक ये बताने गए थे संजय सिंह ADM को कि पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था नहीं और वहां पे निष्पक्ष चुनाव नहीं प्रतीत हुए, लिहाजा आगामी त्योहार दीपावली को देखते हुए इन चुनावों को आगे बढ़ा दिया जाए। और इन सब चीजों को लेकर उहापोह की स्थिति थी और लग रहा था कोई संभावना ऐसी कि आगे आने वाले समय में कोई समस्या खड़ी हो सकती है प्रियांशु जी, और वही हुआ। 9 तारीख को जब वहां पर नामांकन प्रक्रिया में फॉर्म डेलीगेट्स के वितरण शुरू किया गया तो सुबह से ही लगभग 9:30 बजे से गुटबाजी शुरू हुई, अफरा तफरी का माहौल शुरू हो गया। और घटना जो प्रियांशु जी सबसे पहले हुई वो ही इनके जो बताया जा रहा है योगेश वर्मा विधायक, इनके जो साथी थे, जो इनका कैंडिडेट थे, वो थे राजू अग्रवाल व्यापारी, जो यहाँ पे काफी बड़े व्यापारी माने जाते हैं,
सबसे पहले लगभग वही जा रहे थे नामांकन फॉर्म लेने के लिए, और उनको सबसे पहले खींच के जो मारा गया है, जैसा कि कुछ वीडियोस वायरल हुए थे उनमें दिखा कि इनको मारा गया, उसके बाद विधायक वहां पहुंचे। विधायक जब वहां पहुंचे हैं तो एक झगड़ा हुआ, और झगड़े के अंदर वहां पर फोर्स तो लगी हुई थी, और फोर्स की सुरक्षा व्यवस्था के बीच में एक बहुत बड़ा थप्पड़ जड़ दिया इन्होंने अवधेश सिंह ने विधायक योगेश वर्मा के, वही थप्पड़ कांड इसी से हुआ। और थप्पड़ मारने के बाद अफरा तफरी, उसके बाद पीटा, और काफी लड़ाई झगड़ा हुआ, और इस चीज को लेके काफी दिनों तक गुटबाजी और दोनों तरफ से हंगामा होता रहा। हंगामे के बाद यहाँ पर आईजी प्रशांत कुमार आए, पुलिस अधीक्षक वहां पहुंचे, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई, और हालात ये हुए कि गुटबाजी पूरे प्रदेश में शुरू हो गई, और प्रदेश में जो ओबीसी के विधायक हैं ये लामबंद हुए। लामबंद होने के बाद काफी दिनों तक, 9 तारीख की घटना के बाद काफी दिनों तक प्रदर्शन होते रहे। एक जहाँ पटेल सर्व समाज ने एक प्रदर्शन लिया, इसमें व्यापारी शामिल थे, व्यापारियों ने एक दिन की बंदी रखी एफआईआर के लिए, कि एफआईआर हो अवधेश सिंह पुष्पा सिंह के खिलाफ, उनके लोगों के खिलाफ। और उधर योगेश वर्मा ने पटेल सम्मेलन, बहुत बड़ा पटेल सम्मेलन किया, उसमें भी 2 दिन का टाइम कप्तान ने दिया। फिर उसके बाद अवधेश सिंह की तरफ से अगर देखा जाए तो करणी सेना ने शस्त्र पूजन कार्यक्रम किया, उसकी चर्चा होती थी, उसमें एक नारा लगा, देखो देखो कौन आया, क्योंकि अवधेश सिंह वही पहली बार देखे के पहुंचे थे इस थप्पड़ कांड के बाद, तो वहां नारा जो लगा, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। इस सब चीजों को लेकर विवाद बढ़ता गया, विवाद बढ़ने के साथ साथ गुटबाजी हुई, और यहाँ से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर लखनऊ राजनीति गर्म होती चली गई। और उस राजनीति में यह रहा कि 9 तारीख की घटना में भी दिन पर दिन बढ़ते गए, प्रदर्शन होते गए, व्यापार मंडल ने व्यापारी की दुकानें बंद कराई, और लामबंद होके सभी विधायक ओबीसी ये सब 13 तारीख को लगभग मिलने गए थे अपने सतीश मोहाना जिससे विधान परिषद जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनसे एक प्रतिनिधिमंडल मिला योगेश वर्मा के साथ। योगेश वर्मा अपनी पीड़ा बताई, बस वहीं से शुरुआत हुई कि आज जल्दी ही मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, क्योंकि गोरखपुर में मुख्यमंत्री व्यस्त थे। इसके बाद जब मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई तो आनंद फानन में सब मामला शुरू हुआ, और यहाँ पर 15 तारीख की देर रात को एफआईआर दर्ज कर ली। सबसे पहले कार्रवाई जिसमें की गई वो ये हुई कि सबसे पहले एक पत्र वहां से, जैसे ही 13 तारीख हुई तो संगठन की मीटिंग हुई, संगठन से एक पत्र जारी हुआ, उस पत्र के अंदर इनसे 2 दिन का समय मांगा गया। अवधेश सिंह पुष्पा सिंह जो सक्रिय सदस्य थे यहाँ पर, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के, तो इनसे जवाब मांगा कि आप 2 दिन में इसका स्पष्टीकरण दिए। साथ में से अनिल यादव एक यहाँ पर थे, और ज्योति शुक्ला थी जिनका नाम था संगठन के पत्र में, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व ने भेजा था कि आप इसका स्पष्टीकरण दें। इन्होंने 2 दिन बाद इसका स्पष्टीकरण दिया, उसके बाद एक कार्रवाई जो करने को मिली लगभग 14 तारीख को, 14 को संगठन से पत्र आया कि इनके जो चीजें हैं वो स्पष्ट नहीं हो, इनको देखते हुए प्रथम दृष्टया दोषी माना जा रहा, अनुशासनहीनता मानी जा रही है, इस कारण से इन लोगों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई बनती है, उनको पार्टी की सक्रिय सदस्यता से बर्खास्त किया जा रहा है। तो उसमें 4 लोगों को बर्खास्त किया गया, पहले पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया, उसके बाद फिर कप्तान गणेश प्रसाद शाह काफी सक्रिय नजर आ रहे थे, और लग रहा था कि ये मामला काफी तूल पकड़ गया, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिसने खुद इंटरफेरेंस किया, और चूंकि योगेश वर्मा सामने बैठे थे, वो फोटो वायरल की गई, इंडिया ने दिखाया कि योगेश वर्मा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो रही है, साथ ही कई विधायक केशव प्रसाद मौर्य से भी मिले, उसके अलावा मुख्यमंत्री से मिले, उसके बाद का नतीजा ये हुआ कि देर रात 15 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज हुई, विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई, और उसमें राजू अग्रवाल का भी नाम दिया गया। जबकि इसमें अगर एक पृष्ठभूमि और देखी जाए तो 3 एफआईआर यहाँ पे पहुंची थी, तहरीर पहुंची थी एफआईआर में, सॉरी तहरीर पहुंची थी कोतवाली में, जिसमें 2 तहरीरें थी, एक योगेश वर्मा की थी, एक राजू अग्रवाल की थी, और साथ में तीसरी तहरीर गई थी जो अवधेश सिंह की तरफ से गई थी, उसमें एक नीम गांव के व्यक्ति ने दी थी। तो 3 FIR थी। गणेश प्रसाद शाह हर बार गणेश की जांच हो रही है, जांच के बाद इस पर कार्रवाई होगी। तो देखा जाए उन 3 तहरीर में सिर्फ योगेश वर्मा की FIR के ऊपर ही सिर्फ कार्रवाई हुई और FIR दर्ज की गई, उनकी तहरीर पर ही FIR दर्ज की गई, कार्रवाई हुई। अब ये जो आज का घटनाक्रम हुआ है ये भी बहुत बड़ा हुआ, लोग इंतजार कर रहे थे आगे क्या कार्रवाई होगी, लेकिन ये हुआ कि आज कोर्ट ने बाहर बाहर पुष्पा सिंह और अवधेश सिंह को जमानत दे दी है, और जमानत के बाद ये भी अब यहाँ पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, और देखा जा रहा है कि अब इसमें आगे क्या राजनीति होती है या क्या इसका असर देखने को 2 दिन बाद मिलता है, ये सब आने वाला समय ही प्रियांशु जी बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि आज के इस घटनाक्रम ने भी एक आगे की राजनीति के लिए एक नई दिशा खोली है, अब ये आने वाला समय देख रहा है कि क्या होने वाला है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि एक जमानत का जो मामला आज हुआ है
ये काफी यहाँ सुर्खियां और चर्चा का विषय बना हुआ है। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त यूपी के लखीमपुर खीरी से, जहां बता दें आपको कि कोर्ट ने जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की पूर्व चेयरमैन पुष्पा सिंह और बार अध्यक्ष अवधेश सिंह को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया है। आपको बता दें कि यह मामला बीती 8 अक्टूबर से शुरू हुआ था, जब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बाहर जो अनंतिम और अंतिम मतदाता सूची लगी थी उनको फाड़ा गया था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल एडीएम से भी मिला था, और उसके अगले दिन 9 तारीख को यह थप्पड़कांड हो गया। बार अध्यक्ष अवधेश सिंह ने विधायक योगेश वर्मा को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ता गया। जो विधायक है योगेश वर्मा, वो सतीश महाना से भी मिले, विधानसभा अध्यक्ष से, सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले, और अवधेश सिंह और पुष्पा सिंह सहित कई लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान आपको बता दें कि एक तहरीर राजू अग्रवाल की ओर से दी गई, एक तहरीर अवधेश योगेश वर्मा की ओर से दी गई सदर कोतवाली में, और एक तहरीर जो है अवधेश सिंह गुट की ओर से वीर विक्रम सिंह ने दी, जिस पर आपको बता दें कि योगेश वर्मा जो कि सदर विधायक है लखीमपुर खीरी की, उनकी तहरीर पर पुष्पा सिंह, अवधेश सिंह, संग्राम सिंह और नीरज सिंह सहित 30-40 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। ये 15 अक्टूबर की देर रात करीब 10:30 बजे, जिसके बाद आज कोर्ट ने बड़ी राहत दी है पुष्पा सिंह और अवधेश सिंह को, इनको जमानत दे दी है। वहीं अन्य जो लोग इसमें नामजद थे, जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ था, उनको जमानत नहीं मिली है, लेकिन ये चर्चा है कि जब इन दोनों को जमानत मिल गई है तो अन्य जो लोग इसमें नामजद हैं उनकी भी जमानत हो जाएगी। और इससे पहले की जो कार्रवाई हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने की थी, अवधेश सिंह, पुष्पा सिंह, अनिल यादव और ज्योति शुक्ला, ये जो चार भाजपा नेता हैं और नेत्री हैं, इन पर इनको पार्टी से निलंबित करने की कार्रवाई की थी। तो उस वक्त ये माना जा रहा था कि विधायक योगेश वर्मा की एक एक कर सारी मांगे मानी गई हैं प्रदेश नेतृत्व द्वारा, मुकदमा भी दर्ज हुआ, पार्टी से निष्कासन भी हुआ, और अब जब कोर्ट की शरण में गए अवधेश सिंह, तो बड़ी राहत कोर्ट ने दी है, अवधेश सिंह और पुष्पा सिंह को जमानत दे दी है, जिसके बाद लखीमपुर में फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड, एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।